Investment in securities market are subjected to market risk. Please read all the related document carefully before investing. ओके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टेक के एक नए वीडियो के अंदर। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी एंजल वन के दमदार एप्लीकेशन के अंदर, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक के ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं। खास बात वीडियो की ये रहने वाली है कि आज के सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एंजल वन के अंदर आप सभी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते टाइम एक साथ ही अपना बाई ऑर्डर भी लगाएंगे, उसके साथ स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, टारगेट भी लगा देंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप लगा पाएंगे एक ही ऑर्डर के साथ। कैसे लगाते हैं सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, तो पूरी वीडियो को इत्मीनान से लास्ट तक देखिएगा अगर आपको चीज़ों को, इन चारों चीज़ों को अच्छे से समझना है, ट्रेडिंग करनी है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बिना ये वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स है, इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। फिन निफ्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं और कुछ लोग स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको निफ्टी के अंदर ट्रेड करके बताऊंगा। एक और चीज़ जो एक्स्ट्रा मैं बताने वाला हूँ वो मैंने आपको बताया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे लगाते हैं और एक्चुअली ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है, ये कैसे आपके जो है कोई आप ट्रेड ले रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा लॉस नहीं होने देता, या यूं कह लीजिए कि जो आपने प्रॉफिट कमा लिया है उसको हाथ से जाने नहीं देता। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे कैसे करना है एंजल वन के अंदर। तो फटाफट चलिए निफ्टी यहाँ पे हमको दिख रहा है अभी लाइव चल रहा है, निफ्टी हमारा डाउन आज के दिन गया हुआ है, लगभग 0.73% का गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी देखे तो बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, करीबन 40-50 पॉइंट की गिरावट है, मामूली सी गिरावट है, बट निफ्टी के अंदर भयंकर गिरावट है। तो निफ्टी पे मैं क्लिक करता हूँ। निफ्टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देख पाएंगे निफ्टी का एकदम ताज़ा ताज़ा हमको यहाँ पे चार्ट दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको चार्ट के अलावा ऑप्शन चेन भी दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ निफ्टी फिफ्टी की सब्सिडरीज कंपनीज हैं, आपको जैसा कि पता ही है देश के दिग्गज 50 कंपनियों को मिलाकर निफ्टी 50 बनता है, तो ये ही वो 50 कंपनियां हैं। आप देख सकते हैं इन्हीं के ऊपर निफ्टी का मूवमेंट हमारे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे पूरा ऑप्शन हमारा निफ्टी का खुल चुका है। इसी तरह से आप बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन खोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पॉट प्राइस हमारा क्या है, 21,580 के करीब स्पॉट हमारा चल रहा है। और देखेंगे एक तरफ हमको इस तरफ कॉल्स दिखाई देते हैं, जब आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप जनरली कॉल बाई करते हैं, जब आपको लगता है कि मार्केट हमारा और गिरेगा जहाँ पे है तो आप पुट बाई करते हैं, ठीक है। अभी देखिए मार्केट आज गिरा हुआ है, मेरे को लग रहा है मार्केट और गिर जाएगा तो मैं पुट बाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 21,500 का जो पुट हमको दिखाई दे रहा है 120 रुपये के करीब, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे दो ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, एक तो बाई का एक तो सेल का, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस के अंदर ना हमारे पास एडवांटेज ये होता है कि हम ऑप्शन बाई भी कर सकते हैं एज वेल एज ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। बस डिफरेंस इतना सा होता है, मतलब डिफरेंस तो मेजरली बहुत सारे होते हैं, बट मैं आपको मेजर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग के अंदर कम पैसे लगते हैं जबकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे जैसे जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन बाई ही करते हैं, बाई करने में कम पैसा लगता है इसके लिए बाई करते हैं, ठीक है। तो बाई पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। बाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको लॉट डालना होता है, कितने लॉट आप खरीदना चाहते हैं। अब आपको पता होगा कि निफ्टी के एक लॉट के अंदर 50 क्वांटिटी होती है, बैंक निफ्टी के एक लॉट के अंदर अभी 15 क्वांटिटी हो गई हैं, फिन निफ्टी के अंदर अभी 40 क्वांटिटी होती है, ठीक है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इतनी इतनी क्वांटिटी होती है, तो आपको लॉट वाइज खरीदना होता है निफ्टी को। अगर आपको एक लॉट खरीदना है तो यहाँ पे एक लॉट डालेंगे आप, यानी 50 क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। इसके बाद नीचे देखेंगे आप सभी लोग तो यहाँ पे प्राइस दिया गया है, प्राइस में आप लिमिट मार्केट पे अपना बाई कर सकते हैं। लिमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप प्राइस को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मार्केट पे क्लिक करते हैं तो मार्केट पे जो भी ऑन ऑफ पौना भाव चल रहा होगा उसी पे आपको बाई करना होगा या फिर बाई हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। इसके बाद नीचे आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे आपको स्मार्ट ऑर्डर दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर देखिए हमारा जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप सभी लोगों को एक साथ बाई ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, टारगेट ऑर्डर और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है तो आपको इंट्राडे पे क्लिक करना होगा, ठीक है।
यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड पे बाई कर सकते हैं आप। कैरी फॉरवर्ड में मतलब ऑप्शन में आपको पता होता है 7 डेज की एक्सपायरी होती है, अगर आप 7 डेज तक होल्ड करना चाहते हैं तो कैरी फॉरवर्ड पे क्लिक करके बाई करिए, तब आप टारगेट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और अपना स्टॉप लॉस ये बाई प्राइस ये सब चारों एक ऑर्डर जो है अपना एक साथ नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप इंट्राडे पे क्लिक करेंगे यानी आज के दिन ही खरीद के आज के दिन ही बेचना चाहते हैं आप, इंट्राडे पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे स्मार्ट ऑर्डर के अंदर जब क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा रोबो ऑर्डर का, ठीक है। तो ये रोबो ऑर्डर से ही संभव हो पाता है कि हम सारे अपने चारों ऑर्डर एक साथ लगा पाए। तो जैसे मैं इस रोबो ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, बाई प्राइस मान लीजिए मैंने 120 रुपये, ठीक है, मान लो मैं 120 रुपये में खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे रोबो ऑर्डर ऑन कर दिया है तो यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शन मिले हैं। सबसे पहले दो ऑप्शन देख लीजिए, एक स्टॉप लॉस का, एक टारगेट का। तो जैसे 120 में मैं खरीद रहा हूँ, 10 रुपये नीचे मैं चाहता हूँ मेरा स्टॉप लॉस रहे तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्राइस डालूंगा, यहाँ पे 110 रुपये का स्टॉप लॉस प्राइस डाल दूंगा अपना, ठीक है। इसके बाद टारगेट प्राइस में जैसे मैं 120 पे खरीद रहा हूँ, मैं चाहता हूँ 140 पे मेरा टारगेट रहे तो मैं यहाँ पे 140 रुपये डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए एक अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस का, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 10 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगाया है, मैं 120 रुपये पे इसको खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बेसिकली क्या मकसद होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो प्लस आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्या किया 5 रुपये डाल दिया, देखिए 5 पॉइंट डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने 10 रुपये नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया है, 5 रुपये का मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है, तो अब जैसे ही मेरा ये बाई प्राइस 120 पे बाई होता है और ये 120 से बढ़ते बढ़ते 125 पे चला जाता है, ठीक है, बढ़ते बढ़ते 125 पे चला जाता है, तो जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया है 110 रुपये पे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5 रुपये का लगाया है तो ये स्टॉप लॉस भी हमारा खिसक के 115 पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये 115 से हिलेगा बिल्कुल नहीं, और जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ते बढ़ते 130 रुपये चला गया वैसे ही हमारा स्टॉप लॉस फिर घिसक के 120 पे आ जाएगा, ठीक है। यानी 5-5 रुपये का हमको स्टॉप लॉस का अपना ट्रेल मिलता रहेगा और हमारा जो भी हाथ में आया प्रॉफिट रहेगा वो छूटेगा नहीं। अब इन केस 130 रुपये से गिरते गिरते वापस मार्केट 125 पे आया तो स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है कि हमारा हिलने वाला है, यहाँ से 120 से हिलेगा नहीं, अब वो वेट करेगा, अगर मार्केट गिरते गिरते 120 पे आता है तो 120 पे ही सेल हो जाएगा, ठीक है। तो हाथ में जो प्रॉफिट आपकी आ गया रहता है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका बचाता है, तो इसी वजह से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर यूज करना चाहिए। अब क्या करना है मेरे को, बस बाई पे क्लिक करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपके अकाउंट के अंदर अगर फंड रहता है जितने फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो आप सभी लोग इसको अपने बाई कर लेंगे। और जब जैसे ही आप बाई करते हैं, देखिए यहाँ पे पूरा 7,300 रुपये की रिक्वायरमेंट थी जो कि मेरे अकाउंट में नहीं था, इसके लिए ये जो ऑर्डर है हमारा कैंसिल हो गया। बट अगर हमारे अकाउंट में पैसे रहते और हमारा जो है बाई प्राइस 120 पे आता तो ये बाई हो जाता एंड सिस्टम में हमारा दो ऑर्डर और लग जाता है, एक स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर लगता है, एक टारगेट वाला ऑर्डर लगता है, ठीक है, एक स्टॉप लॉस वाला एक टारगेट वाला। अगर हमारा टारगेट हिट होता तो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाता और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो टारगेट वाला ऑर्डर हमारा कैंसिल हो जाता और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हमने लगाया है 5 रुपये का वो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है हमारा स्टॉप लॉस भी 10 रुपये जैसे मैंने 110 पे लगाया था वो भी खिसकता रहता। तो ये प्रॉफिट होता है हमारा एक साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह लगाने का। तो इस तरह से आप ट्रेड करेंगे तो आपके हाथ में प्रॉफिट आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, आपके लॉस कम होने के चांसेस रहेंगे क्योंकि आप स्टॉप लॉस भी लगा रहे हैं, आपको प्रॉफिट भी मिलने का चांस रहेगा क्योंकि आप टारगेट लगा रहे हैं। तो पूरा का पूरा हथियार लेकर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में कूद रहे हैं। तो इस तरह से आप रोबो ऑर्डर को यूज़ करके ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं एंजल वन के अंदर। अगर आपको किसी तरह की दुविधा है तो कमेंट की सुविधा है, कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछिएगा क्या दिक्कत आ रही है, आपको रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को पसंद आया वीडियो आपको तो वीडियो को जो है शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।